Hello and welcome to our YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll talk about the cell division phases, about the prophase. Prophase जो होता है वो आपकी cell division का सबसे पहला phase होता है, और prophase होता है, prophase काफी लंबा phase होता है, ठीक है? तो हम इसको पढ़ेंगे दोनों में एक साथ, animal cell में भी और plant cell में, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, okay? This is your prophase. हम ये prophase पढ़ रहे हैं किसमें? आपके animal cell और plant cell दोनों में, ठीक है? मैंने दोनों को अलग अलग कलर से इसीलिए बनाया था कि आपको याद रखने में और आपको इजीली समझ में आए. और वैसे भी आप animal cell round बनाएंगे और plant cell में अगर पूछा तो आप उसको square बनाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं animal phase के बारे में. एनिमल फेज यानी कि जब आपका सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा होता है उस फेज को आप क्या बोलते हो? उस फेज को आप बोलते हो इंटरफेज, मतलब वो होती है उसकी रेस्टिंग फेज. अभी वो रेस्ट कर रहा है और अपने फर्दर स्टेज के लिए यानी कि प्रोफेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो उसकी प्रिपेरेशन हो रही है, ठीक है? तो उसमें इंटरफेज में जब वो रेस्टिंग स्टेज में है तो हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं दोनों सेल्स में? एनिमल सेल में इंटरफेज में यानी कि रेस्टिंग फेज में हमें क्या क्या दिख रहा है? सेंट्रोसोम दिख रहा है. मैंने जब आपको एनिमल सेल पढ़ाया था तो उसमें दिखाया था कि ऊपर एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, वहीं प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं है, ठीक है? सेंट्रोसोम एनिमल सेल में है. देन एनिमल सेल में और क्या मिलेगा हमें? साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है? देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में होगा. न्यूक्लियस आपका एनिमल सेल में भी है, न्यूक्लियस आपका प्लांट सेल में भी है. देन आपका क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड आपके एनिमल सेल में भी है, क्रोमेटिन थ्रेड आपके प्लांट सेल में भी है, ठीक है? देन है आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आपका एनिमल सेल में भी है, न्यूक्लियोलस आपका प्लांट सेल में भी है. तो केवल डिफरेंस क्या आएगा आपका? आएगा केवल सेंट्रोसोम एंड साइटोप्लाज्म का, ओके? अब नेक्स्ट उसका रेस्टिंग फेज है, वो धीरे धीरे रेस्टिंग फेज अब छोड़ रहा है. तो यानी क्या हो रहा है? अर्ली प्रोफेज हो रहा है. अभी प्रोफेज नहीं हुआ है, अभी अर्ली प्रोफेज मतलब उसकी जस्ट स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है? तो उस स्टार्टिंग में अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अर्ली प्रोफेज एनिमल सेल में? तो ये जो आपका सेंट्रोसोम था, ये सेंट्रोसोम क्या करेगा? सेंट्रोसोम मूविंग अपार्ट, ये एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, ठीक है? ये क्या करेंगे? ये मूव अपार्ट हो जाएंगे. अभी ये दोनों पास पास थे यहाँ पे, अब क्या करेंगे? ये धीरे धीरे दूर जाने लगेंगे, ठीक है? और इनका क्या बन रहा है? इनके एस्टर्स बन रहे हैं. एस्टर्स मतलब ये अपनी रेस छोड़ रहे हैं और आगे चल के ये क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? देन आपका क्या बना? आपके जो क्रोमेटिन थ्रेड थे, क्रोमेटिन थ्रेड से क्या बना? और क्रोमेटिन थ्रेड और न्यूक्लियोलस उससे आपका क्या बन गया? आपके बन गए यहाँ पे क्रोमेटिड्स, ठीक है? क्रोमेटिड्स बन गए. और क्रोमेटिड्स दोनों उसके टोटल कितने क्रोमेटिड्स के कितने लेग्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 फोर लेग्स दिख रहे हैं. तो ये फोर, ये जो चारों इसके लेग्स हैं ये किस चीज से कनेक्टेड हैं? तो जिस चीज से ये कनेक्टेड है, जिसमें ये चारों लेग्स इसके इंसर्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमर, ठीक है? अब प्लांट सेल में क्या होगा? प्लांट सेल में भी सेम होगा, आपके सेंट्रोमर बन जाएंगे. किससे? आपके क्रोमेटिड से और न्यूक्लियोलस से, ठीक है? फिर उसमें उसमें भी सेम वही पॉइंट होगा, बीच का जो पॉइंट, जो आपके क्रोमेटिड्स के बीच का पॉइंट होगा उसे आप क्या बोलोगे? सेंट्रोमर बोलोगे, ठीक है? यहाँ पे भी जो आपके क्रोमेटिड्स के बीच का पॉइंट है, जहाँ से ये कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन से कनेक्ट कर रहा है, उसे आप सेंट्रोमर बोलोगे, ठीक है? अब अर्ली प्रोफेज हो गया, अब इसके लेट प्रोफेज यानी कि आप उसे प्रोफेज बोल सकते हो, ठीक है?
आपके क्रोमेटिड्स क्या हुए थे, क्रोमेटिड्स आपके अर्ली प्रोफेज में ही स्टार्ट हो गए थे, है ना। तो अब जो आपका लेट प्रोफेज है, लो लेट प्रोफेज में क्या हुआ, जो आपके सेंट्रोसोम्स थे उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर लिए और वो कहाँ पहुँच गए, आपके पोल्स पर पहुँच गए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इन्हें हम बोलेंगे अभी एस्टर्स। हमने इससे पहले वाले अर्ली वाले में क्या पढ़ा था, हमने क्या बोला था, एस्टर्स बोला था ना, तो अब हम इन्हें एस्टर्स बोलेंगे। और इन्होंने क्या फॉर्म कर लिए, ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर लिए, ये डॉटेड रेस दिख रही है आपको, ये बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये इन्होंने फॉर्म कर लिए और जो न्यूक्लियस था इसके अंदर का, अब न्यूक्लियस क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आपने देखी, धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सेम विथ प्लांट सेल, प्लांट सेल में भी स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है। तो ये है आपका प्रोफेज का स्टेज, प्रोफेज में आपका अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो ये है आपके प्रोफेज के कुछ की फीचर्स, यानी की टर्म्स जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया, उसके ही कुछ टर्म्स हैं जो आपको अगर आप याद कर लोगे तो ईजिली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, क्रोमोजोम हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस। क्रोमोजोम क्या हो जाते हैं, क्रोमोजोम शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है आपका वो क्या होता है, वो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। ईच क्रोमोजोम हैज मेड इट्स कॉपी, हर क्रोमोजोम ने अपनी क्या बना ली होती है, कॉपी बना ली होती है। और जो हमने क्रोमेटिड्स पढ़े थे कि वो दो क्रोमेटिड्स हमें दिख रहे थे, वो क्या होती है, वो क्रोमोजोम की कॉपी होती है, डुप्लीकेट होती है, ठीक है। तो वो क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो रहा था, डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, क्रोमोसोम्स कहाँ मूव कर गए थे, इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे, है ना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे। एंड तीन लास्ट जो हमें क्लियरली दिख रहा था क्या था, जो आपके स्पिंडल फाइबर्स थे वो फॉर्म हो गए थे, ठीक है। तो ये आपके प्रोफेज के कुछ की फीचर्स हैं, ठीक है। मैंने आपका प्रोफेज कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर प्रोफेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बायो विद चिपमंक।